स्टूडेंट, इस लेसन में हम कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। अनकोण प्रतिचित्रण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। प्रतिचित्रण की परिभाषा क्या है? पहले हम अनकोण चित्रण से पहले रूपांतरण की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रतिचित्रण या रूपांतरण किसे कहते हैं? सम्मिश्र फलन हमारे लिए दे रखा है कि डब्ल्यू बराबर फंक्शन ऑफ जेड है, कि ज्यामिति निरूपण के लिए। अब देखें, हम जैसे कोई 2D में ग्राफ बनाते हैं, तो 2D में हम क्या एक्स और वाई में ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वास्तविक संख्याओं को हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका प्रतिचित्रण हम कैसे बनाएंगे वो देखें आप। डब्ल्यू और जेड चरों के लिए दो समतलों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रतिचित्रण की बात करेंगे, तो हमें जो है दो समतलों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे फलन के अंतर्गत जेड समतल एवं डब्ल्यू समतल के बिंदुओं में बिंदु क्रमशः कौन कौन से हैं, एक्स प्लस आयटा वाई एवं डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयटा वी। मैं समीकरण जो है आपका यू जो है एक्स और वाई का फलन होगा, वी बराबर एक्स और वाई का फलन होगा वी वी, एक संगति स्थापित होगी। एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई उनसे जुड़े होंगे आपके यू और वी। डब्ल्यू जो आपका है वो जेड का फलन है, एक तरह से जेड का फलन है। यू और वी जो है वो आपके एक्स और वाई के फलन होंगे, एक्स और वाई से रिलेटेड होंगे। तो ये जो है एक तरह से जेड समतल और डब्ल्यू समतल के मध्य में एक संगति स्थापित होती है, जिसके अंदर फलन एफ के जेड समतल में किसी प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु, मतलब हमने कोई डोमेन लिया, प्रांत लिया जेड प्लेन में, तो उसके प्रत्येक बिंदु एक्स कॉमा वाई के संगत डब्ल्यू समतल में हमारे पास एक बिंदु यू और कॉमा वी मतलब यू वी प्राप्त होता है। जेड एवं डब्ल्यू में इस प्रकार की संगति जो है, इस प्रकार की संगति है, वही आपके जेड समतल के बिंदुओं का डब्ल्यू समतल के बिंदुओं में एक प्रतिचित्रण कहलाता है, मतलब रूपांतरण कहलाता है। तो हमारे पास जो है यू और बी आपके जो है एक्स और वाई के फंक्शन बन जाते हैं, मतलब जेड में आपने कोई बिंदु लिया जेड समतल में एक्स कॉमा वाई, वो डब्ल्यू समतल के एक बिंदु यू और बी यू कॉमा बी से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह की एक संग मतलब इस तरह की संगति जो स्थापित होती है, इसे हम एक प्रतिचित्रण कहते हैं। अब कोई भी प्रतिचित्रण कब अनकोण होगा, इसके लिए हम परिभाषा देखते हैं अनकोण प्रतिचित्रण की। एक मैपिंग यानी प्रतिचित्रण या रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक मैपिंग डब्ल्यू बराबर फंक्शन ऑफ जेड किसी प्रांत डी में अनकोण प्रतिचित्रण कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाता है, यदि इसके अंतर्गत डी प्रांत के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोणों के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता हो। यानी आपने डी प्रांत में कोई बिंदु लिए और उन पर दो चाप लिए, उनके बाद जो कोण और दिशा है वही आपके प्रतिचित्रण के बाद जो चाप प्राप्त होंगे, उनके मध्य में कोण और दिशा प्राप्त होती है, दिशा में कोई चेंजिंग नहीं होता और परिमाण भी वही रहता है। इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वो मैपिंग है, वो आपकी अनकोण मैपिंग कहलाएगी, अनकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा। अनकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, ये हम जानेंगे। तो किसी भी मैपिंग के लिए, अनकोण प्रतिचित्रण होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये है, जैसे आपने एक मैपिंग ली डब्ल्यू बराबर फंक्शन ऑफ जेड, तो जो फंक्शन ऑफ जेड है वो आपका बेसलेस फलन होगा। यानी आपका कोई भी प्रतिचित्रण बेसले मतलब प्रतिचित्रण जो है आपका अनकोण बन रहा है, कन्फॉर्मल मैपिंग है, तो वो फंक्शन जो है आपका बेसलेस के होगा, यानी बेसलेस होना उसका आवश्यक है। इसे हम प्रूव करते हैं। हम मानते हैं कि डब्ल्यू हमने जो है फंक्शन लिया जेड का बराबर यू प्लस आयटा वी, यू और वी दोनों ही एक्स और वाई के फलन है। माना डीएस और डी सिग्मा क्रमशः जेड तल में और डब्ल्यू तल में लघु चाप की लंबाई है, यानी आपके जेड तल में और डब्ल्यू तल में लघु चाप की लंबाई है डीएस और डी सिग्मा। तब आपका डीएस का स्क्वायर बराबर डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर और डी सिग्मा स्क्वायर बराबर डी यू प्लस डीवी का डी यू का स्क्वायर प्लस डीवी का स्क्वायर, क्योंकि आप ये देखो चाप जो आपके बहुत लघु है, तो डीएक्स और डीवाई जो है डीएस जो आपका बनेगा एक तरह से डीएक्स डीवाई और डीएस से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें डीएस जो है आपका
कर्ण पे होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर d s के बराबर हो, ds के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार d सिग्मा का स्क्वायर जो है du और dv के स्क्वायर स्क्वायर को जोड़ने से प्राप्त होगा। अब du कैसे प्राप्त होता है वास्तव में? du जो है आपका u किसका फलन है? x और y का, तो इनके आंशिक अवकलन टोटल डिफरेंस पूर्ण जो अवकलज बनेगा आपका, टोटल डेरिवेटिव बनेगा du u का। du बराबर होगा आपका डेल यू डेल एक्स dx प्लस डेल यू डेल वाई डी वाई, dv बराबर होगा आपका dv डेल एक्स डेल वी बट डेल एक्स dv dx प्लस डेल यू डेल वाई डी वाई। अब डी सिग्मा स्क्वायर क्या है आपका? डी सिग्मा स्क्वायर आपका डी यू का स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर। तो हम डी यू और डी वी के मान रखे और इन स्क्वायर करते हैं। देखो डी एक्स के स्क्वायर यहाँ देखो यहाँ बनेगा डी एल यू का डेल यू बटे डेल एक्स का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ बनेगा डेल वी बटे डेल एक्स का स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर के हम दोनों टर्मों को एक साथ लिख लेते हैं। इसी प्रकार आपका आएगा डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डी वाई डी एक्स डी वाई, तो दोनों को हम अलग अलग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। प्लस डी वाई स्क्वायर के जो टर्म आएंगे डेल यू डेल वाई का स्क्वायर डेल वी डेल वाई का स्क्वायर, ये आपने इकट्ठी कर लिया हमने। तो डब्ल्यू बराबर फंक्शन ऑफ जेड अनबाउंड प्रतिचित्रण है और कन्फॉर्मल मैपिंग है, तो आपको क्या है डी सिग्मा बटे डी एस जो आपका दिशा पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम क्या है फर्स्ट और थर्ड की तुलना करेंगे। फर्स्ट और थर्ड की हमारा फर्स्ट समीकरण किससे डी एस के स्क्वायर से आया है, थर्ड जो है आपका डी सिग्मा का स्क्वायर है ये। तो हम जो है आपकी तुलना करते हैं, तो यहाँ देखें आप डी एक्स का स्क्वायर का गुणांक एक है जबकि डी सिग्मा स्क्वायर में कितना है आपका डी एक्स का स्क्वायर ये है। डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बटे डेल एक्स का स्क्वायर ये आप पाएंगे। तो इसको हम रखेंगे डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू बी डेल वी बटे डेल एक्स का स्क्वायर बटे एक। ऐसे आप देखें यहाँ इसमें जो आपका डी एक्स डी वाई की टर्म है, लेकिन यहाँ पर डी एक्स डी वाई टर्म नहीं है फर्स्ट में, तो इसकी जो है मान जीरो है। बराबर आपका डेल यू डेल वाई प्लस डेल वी बटे डेल वाई का स्क्वायर जो है ये आपका किसके आ रहा है, किसका गुणांक है ये आपका गुणांक है ये डी वाई का स्क्वायर का, और यहाँ जो डी वाई का स्क्वायर का गुणांक जो है एक है वो बटे में आ जाएगा। बराबर हम मान लेंगे एच स्क्वायर। अब आप देखें प्रतिचित्रण के लिए तुल्य कोण होने के लिए आपसे प्रतिबंध, तुल्य कोण होने के लिए भाई जो है कोण तुल्य कोण का मतलब कोण दोनों में समान रहेगा, तो क्या होगा वो डेल यू बटे डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी डेल वाई का स्क्वायर, तथा आपका डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई प्लस डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई बराबर है आपका जीरो आ गया। अब देखो हम मानेंगे क्या, यदि हम डेल यू डेल एक्स एच कॉस अल्फा रख दें, डेल वी डेल एक्स की जगह हम एच साइन अल्फा रख दें, डेल यू डेल वाई की जगह हम एस एच कॉस बीटा रख दें, और डेल बी डेल वाई की जगह हम एच साइन बीटा रख दें, तो समीकरण जो है हमारी फोर्थ ये वाली संतुष्ट हो जाएगी। फिफ्थ में हम ये मान रखते हैं, तो जिससे क्या एच स्क्वायर कॉमन आएगा आपको, और ये दोनों में से बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और यहाँ बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आपका एच स्क्वायर कॉमन कॉस अल्फा माइनस कॉस कोष्ठक में अल्फा माइनस बीटा का ये बराबर जीरो बन जाएगा। इससे क्या है एच तो आपका जीरो नहीं है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर जीरो है। अब अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होना चाहिए, पाई बाई टू होना चाहिए, प्लस माइनस पाई बाई टू होना चाहिए, तब तो आपका क्या है कॉस का मान जीरो होगा। अल्फा माइनस बीटा का जो अंतर है वो पाई बाई टू है, तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो यानी अल्फा बराबर आ जाएगा आपका बीटा प्लस माइनस पाई बाई टू। यदि हम अल्फा बराबर प्लस लें बीटा प्लस पाई बाई टू, तो आपका डेल यू डेल एक्स यानी एच कॉस अल्फा माना जाएगा माइनस एच साइन बीटा, क्योंकि आपका कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। डेल यू डेल एक्स बराबर एच साइन अल्फा यहाँ रखेंगे तो आपका एच कॉस बीटा आएगा, डेल यू डेल वाई या एच कॉस बीटा पहले से ही है, और डेल वी डेल वाई बराबर एच साइन बीटा। हम क्या है बीटा के पद हम अपने चारों को लिख लिया। इससे आप देखें डेल यू डेल एक्स का मान है माइनस एच साइन बीटा, जबकि आपके डेल यू डेल वाई का मान है एच साइन बीटा, दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अलग है, तो हम लिख लेंगे डेल यू डेल एक्स किसके बराबर है माइनस डेल वी डेल वाई के, जबकि आपका डेल वी डेल एक्स बराबर एच कॉस बीटा, और जो एच कॉस बीटा क्या है आपका डेल वी डेल यू डेल वाई है, तो ये आपका डेल यू डेल वाई बराबर डेल वी डेल एक्स, ये दोनों बराबर है। अब देखो ये जो है
अगर आप वी की जगह माइनस वी कर दें, अगर हम वी की जगह माइनस वी कर देते हैं, तो आपका जो है ये कॉस ई रीमान समीकरण बन जाएंगे, यानी वी के मान को आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो ये जो है आपके बैसलर्स की कंडीशन नहीं बनेगी, यानी आपके उसकी कंडीशन नहीं बनेगी, किसकी, कन्फॉर्मल अनकोणीय मैपिंग की नहीं बनेगी, ये बनेगी तुल्य कोणीय। आपने कन्फॉर्मल मैपिंग में तो ये होता है कि आपने प्रतिचित्रण किया, तो उसमें जो है चापों के मध्य में कोण और परिमाण दोनों में ही चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, दोनों में ही चेंजिंग आपकी नहीं आनी चाहिए, दिशा और परिमाण दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि रूपांतरण के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु पर कोण का केवल परिमाण ही पर लक्षित होता है, दिशा नहीं, यानी अब परिमाण तो कंजर्व रहता है, मतलब परिमाण तो सेम रहता है लेकिन दिशा बदल जाती है, तो उस दिशा में जो है आपका कोण जो तुल्य कोणी कहलाएगा, तुल्य कोण रूपांतरण कहलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये है तुल्य कोणी है, ये आपका क्या है तुल्य कोणी, क्योंकि मान तो इसमें सेम है लेकिन दिशा चेंज हो गई, निगेटिव चिन्ह आ रहा है ना, वी माइनस वी में हो गया, तो ये जो है आपका तुल्य कोणीय है। लेकिन यदि आप अल्फा बराबर बीटा चिन्ह माइनस लें, बीटा माइनस पाई बाई टू, तो फिर आपका जो है आपका डेल यू डेल एक्स बराबर डेल वी डेल वाई, और डेल यू बटे डेल वाई बराबर आपका आएगा माइनस डेल वी डेल एक्स, ये आएगा, जो कि आपका क्या होंगे सी आर इक्वेशन होंगे, कॉस रीमान समीकरण होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी एक बैसलर्स का फलन आएगा। वास्तव में हमें यही तो प्रूव करना था कि कॉसी रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं, मतलब जो है आपका यू और वी है वो कॉसी रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं, और जो डब्ल्यू बराबर है वो यू प्लस आयोटा वी जो कि फंक्शन है जेड का, वो कैसा है, फंक्शन ऑफ जेड एंड डब्ल्यू आपका बेसलर्स का फलन है। ये हमें प्रूव करना था, यानी आवश्यक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी एक बेसलर्स का फलन है, कि वो कॉसी रीमान समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं। अब अनकोण प्रतिचित्रण होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, इसका पर्याप्त प्रतिबंध का स्टेटमेंट इस तरह से कि अगर आपका डब्ल्यू बराबर फंक्शन ऑफ जेड कोई फंक्शन ये प्रतिचित्रण है मैपिंग है, तो ये अनकोण होगा, यानी अनकोण होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये है कि ये बेसलेस को तथा जेड जीरो पर जो है फंक्शन का अवकलज का मान जीरो नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ जेड जीरो का डैश नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन, ये स्पेशली बात। बाकी आपका जो आवश्यक शर्त है वो वही है इसमें कि आपका फंक्शन ऑफ जेड वैसलैस होना चाहिए और उसका मान जेड जीरो पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसको हल करते हैं, मान लेते हैं डी प्रांत में जेड जीरो एक आंतरिक बिंदु है, यानी हमने ये जेड प्लेन लिया और ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है, जेड जीरो एक आंतरिक बिंदु है, तथा सी वन सी टू हमारे पास दो कर्व है, जेड जीरो यहाँ बिंदु है इस पर दोनों कर्वों पर हमने स्पर्श रेखाएं खींची, जेड जीरो पर इन वक्रों पर खींची स्पर्श रेखाओं रेखाएं वास्तविक अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा वन और अल्फा टू कोण बनाती है, मतलब जो हमारा वास्तविक अक्ष है उसके साथ हम जो स्पर्श रेखाएं जेड प्लेन में वो दोनों वक्रों पर जो स्पर्श रेखा खींची हमने वो वास्तविक अक्ष के साथ क्या बनाती है अल्फा वन और अल्फा टू कोण बनाती है, सी वन और सी टू वक्रों पर क्रमशः हमने जेड वन जेड जेड टू दो बिंदु ले, जेड जीरो से समान दूरी पर हैं, आर दूरी पर स्थित हैं, जहां आर अति लघु दूरी है, तब आपका जेड माइनस जेड जीरो बराबर होगा आपका आर ई आई थीटा वन, जेड टू माइनस जेड जीरो बराबर होगा आपका आर ई आई थीटा टू। हमने क्या है दोनों कर्वों पर जेड जीरो से थोड़ी सी दूरी पर हमने दो बिंदु लिए, एक जेड वन लिया एक जेड टू लिया, तो जेड वन माइनस जेड जीरो बराबर हम लिख सकते हैं आर ई आई थीटा वन, और जेड टू माइनस जेड जीरो बराबर लिख सकते हैं हम आर ई आई थीटा टू, जहां पर आपका थीटा वन जो है अल्फा वन की तरफ टेंडिंग और अल्फा टू थीटा टू जो है आपका अल्फा टू की तरफ टेंडिंग है, जबकि आपका आर टेंडिंग टू जीरो, मतलब आपका जेड वन और जेड टू दोनों जेड जीरो की तरफ टेंड होते हैं। माना फंक्शन एफ के अंतर डब्ल्यू समतल में है, डब्ल्यू समतल में वक्र सी वन और सी टू के प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्रम सही है आपके जो है ये हमने लिए हैं सी वन और सी टू के प्रतिबिंब में है ये आपके दोनों, ठीक है ना, जो गामा चिन्ह गामा यूज करते हैं ना गामा, तो गामा वन और गामा टू ये, तो जेड जीरो जेड वन और जेड टू के प्रतिबिंब क्रम हमारे डब्ल्यू जीरो डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू है। अगर जब कोई भी बिंदु सी वन के अनुदिश जेड जीरो से जेड वन को गमन करता है,
यानी आपने जेड प्लेन लिया, जेड प्लेन में कोई जेड जीरो से जेड वन तक कोई बिंदु वक्र सी पर चलता है, तो उसका प्रतिबिंब बिंदु डब्ल्यू प्लेन में गामा वन जो हमारा कर्व है अनुदिश डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू वन तक गमन करता है, इसी प्रकार आपका सी टू पर भी करेगा। यानी आपने सी टू कर्व पर अगर जेड टू बिंदु लिया तो जेड जीरो से जेड टू तक कोई बिंदु अगर गमन करता है सी टू पर, तो वो गामा टू जो कर्व है उस पर डब्ल्यू टू मतलब डब्ल्यू प्लेन में गमन करेगा। मान लेते हैं हम डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू जीरो बराबर रॉ वन ई आई फाइव वन है, यानी हमने जो जेड वन माइनस जेड जीरो बराबर लिया वो वहां पर हमने यहाँ क्या लिया आर ई आई थीटा वन लिया, हम यहाँ पर रॉ वन ई आई फाइव वन लेते हैं, तथा डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू जीरो बराबर हम लेते हैं आर रॉ टू ई आई फाइव टू। फंक्शन ऑफ जेड आपका कैसा दे रखा है, जेड जीरो पर वैसेलैसिक फलन है, अगर ये वैसेलैसिक फलन है तो फंक्शन ऑफ जेड जीरो डैश विद्यमान होगा आपका, तो हम जेड जीरो पर हम अवकलन निकालते हैं, तो लिमिट जेड टेन जेड वन टेन इंटू जेड जीरो अवकलन की परिभाषा लगा दी, फंक्शन ऑफ जेड वन माइनस फंक्शन ऑफ जेड जीरो बट्टे जेड वन माइनस जेड जीरो, जेड वन जेड वन जेड जीरो की तरफ टेंड है, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू जीरो बट्टे जेड वन माइनस जेड जीरो। अब सिंस आपका दे रखा है कि फंक्शन ऑफ जेड जीरो का जो डैश है वो जीरो नहीं है, अतः मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ जेड जीरो डैश जो है आर जीरो ई आई थीटा जीरो है, आर जीरो ई आई थीटा जीरो है, आर ई आई थीटा जीरो बराबर आपका यानी फंक्शन ऑफ जेड जीरो डैश के बराबर हम आपका आ जाएगा, ये हम मान रख लेते हैं डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू जीरो जो बराबर हम जो हमने माना है ये, और जेड जीरो माइनस जेड जेड वन माइनस जेड जीरो का डिफरेंस हमने ये माना था आर ई आई फाइव वन और ये आर ई आई थीटा वन और यहाँ फाइव वन, तो यहाँ आएगा रो वन बट्टे आर ई आई फाइव वन माइनस थीटा वन। ठीक है, तो ये जो है डेसिमल लिमिट रो वन बट्टे आर, रो वन बट्टे आर जो है वो किसके बराबर है आर जीरो के बराबर, और जो फाइव वन माइनस थीटा वन है वो किसके बराबर थीटा जीरो, और अगर हम ये प्रमाण लेते हैं यहाँ तो आपका आर जीरो किसके बराबर आ जाएगा फंक्शन ऑफ जेड के डैश के बराबर आ जाएगा आर जीरो, तो आर जीरो किसके मान बराबर है ये आप फंक्शन ऑफ जेड जीरो का डैश किसके बराबर है आर जीरो ई आई थीटा जीरो, अगर हम इसका प्रमाण लेते हैं तो इसका आ जाएगा मान एक ई आई थीटा जीरो का मानते हो जाएगा एक, इधर रह जाएगा आर जीरो, तो इसका प्रमाण आर जीरो का प्रमाण आ जाएगा इसका प्रमाण फंक्शन ऑफ जेड जीरो के डैश का प्रमाण। अब देखो आपका लिमिटिंग पोजीशन में फाइव वन, देखो हमने क्या फाइव वन माइनस थीटा वन बराबर माना है थीटा जीरो, तो आपका आ जाएगा लिमिटिंग पोजीशन में लिमिटिंग थीटा वन प्लस थीटा जीरो, मतलब आपका ये है देखो थीटा वन को हम इधर ले जाएंगे, आपका थीटा जीरो किसके बराबर आ रहा है फाइव वन माइनस थीटा वन, तो फाइव वन की जो लिमिट है वो किसके बराबर लिमिट थीटा वन प्लस थीटा जीरो, थीटा वन आपका किस तरफ टेंड हो रहा है अल्फा वन की तरफ प्लस थीटा जीरो, अतः गामा वन के बिंदु डब्ल्यू जीरो पर निश्चित स्पर्श रेखा विद्यमान है, क्यों विद्यमान है कि आपका ये जो है ये अवकलज विद्यमान है, जो वास्तविक अक्ष के से आप वास्तविक अक्ष से अल्फा वन प्लस थीटा जीरो, अल्फा वन प्लस थीटा जीरो कोण बना दी है, ये कोण बन रहा है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये इसके बराबर निकाला फाइव वन बराबर अल्फा वन प्लस थीटा जीरो। इसी प्रकार जो है गामा टू पर जो स्पर्श रेखा होगी वो कोण बनाएगी अल्फा टू प्लस थीटा जीरो, अल्फा टू प्लस थीटा जीरो, अब दोनों के मध्य में जो कोण होगा वो क्या होगा आप अंतर निकाल लेंगे दोनों का, अल्फा टू प्लस थीटा जीरो माइनस अल्फा वन प्लस थीटा जीरो, तो क्या कितना आ गया अल्फा टू वन अल्फा टू माइनस अल्फा वन, जो कि आपका जेड जीरो पर सी वन और सी टू पर जो खींची गई स्पर्श रेखा उनके मध्य का कोण है उसके बराबर है, अतः कोणों की दिशा जो है वो समान है, तो आपका प्रतिचित्रण कैसा हो गया अनुकोण प्रतिचित्रण हो गया, तो हमें ये प्रूव करना था, यानी जो पर्याप्त शर्त है वो है आपकी के फलन जो है मैपिंग का जो फलन है वो आपका कैसा होना चाहिए वैसेलैसिक फलन होना चाहिए, तथा जेड जीरो पर उसका अवकलज जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए।